हाय फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन मिल सके कि आज ये वीडियो अपलोड हुई है और वीडियो तक पहुंच सके। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे वह है CSMA। CSMA क्या होता है इसके बारे में हम जानते हैं। तो CSMA का पूरा नाम होता है कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस, अर्थात CSMA स्टैंड फॉर कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस। और CSMA सिस्टम में यदि यूजर वर्क स्टेशन ट्रांसमिट करना होता है तो उसे लाइन पर विद्यमान ट्रैफिक पर ध्यान देना चाहिए, उसे जो लाइन पर ट्रैफिक विद्यमान होती है उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि चेकिंग द्वारा वोल्टेज के लिए डिवाइस पर ध्यान दिया जाता है इसमें। और CSMA लाइन पर होने वाले जो कॉलिजन्स होते हैं तो उनको कम कर देता है, परंतु उनका पूर्ण रूप से यह जो है तो निराकरण नहीं कर पाता है। और इस अर्थात कि उसमें कॉलिजन्स हो सकते हैं, उनका पूर्ण रूप से निराकरण नहीं कर पाता है, इसका मतलब यही होता है कि उसमें कॉलिजन्स हो भी सकते हैं। और प्रथम कैरियर सेंस प्रोटोकॉल को फर्स्ट परसिस्टेंट CSMA कहते हैं, और दूसरा कैरियर सेंस प्रोटोकॉल नॉन परसिस्टेंट CSMA होता है। और इसमें जो यूज होने वाला अंतिम प्रोटोकॉल पी परसिस्टेंट CSMA है। और जब वर्क स्टेशन के लिए पुनः तैयार होता है तो चैनल सेंस होता है। लास्ट में एक बार हम फिर से जानेंगे एक बार अच्छे से, तो वीडियो पूरा देखें। तो यदि वह आइडल है तो पी प्रायिकता के साथ ट्रांसमिट होता है, अगर आइडल है तो पी प्राथमिकता के साथ वो ट्रांसमिट होगा सर। और एक्सेस पद्धति के अंतर्गत इथरनेट में CSMA XCD प्रोटोकॉल का जो है तो प्रयोग किया जाता है। तो एक बार फिर से जानते हैं, प्रथम कैरियर सेंस प्रोटोकॉल को फर्स्ट परसिस्टेंट CSMA कहते हैं, और दूसरे कैरियर सेंस प्रोटोकॉल को नॉन परसिस्टेंट CSMA कहते हैं। थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुई है तो परसिस्टेंट है वो। और अंतिम प्रोटोकॉल पी परसिस्टेंस जो है तो पी परसिस्टेंस CSMA है। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सके।